उदयपुर में एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज होने लगा है। सोमवार को वकीलों ने जंगी प्रदर्शन कर सरकार को चेताया। साथ ही बीकानेर में शुरू हुए हाईकोर्ट बेंच की तरह ही उदयपुर में भी हाईकोर्ट बेंच की मांग पुरजोर तरीके से रखी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि मेवाड़ वागड़ की जनता पिछले 42 सालों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है। इसी को लेकर बार एसोसिएशन व मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मोगरा का कहना है कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच शुरू की गई, जबकि उदयपुर में इसकी वर्षों से सख्त मांग थी। बावजूद इसके मेवाड़ वागड़ की समस्या को नजरअंदाज किया गया, जो निंदनीय है। सोमवार को इसी को लेकर वकीलों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट बेंच की मांग की। देखिए कैसा रहा आज का माहौल। पूरा देश जानता है, पूरी सरकारें जानती है कि हमारी लड़ाई 42 साल पुरानी है और किसी ने भी हमसे ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई गैरवाजिब लड़ाई है। परेश मंत्री ने अपनी लोकसभा सीट बचाने के लिए बीकानेर में घोषणा कर दी कि वहां पर पहले कोर्ट शुरू होगा। उससे भी बड़ी बात, मैं राकेश मोगरा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। पिछले 42 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन है। और अभी जो बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की जो घोषणा जो विधि मंत्री ने की है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उदयपुर की जनता और आसपास की जो जनता है, मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोग, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 42 वर्षों से कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिलके बीकानेर वालों को दिया जा रहा है। हम बीकानेर वालों, कोटा वालों, किसी के विरोध नहीं है, लेकिन उदयपुर में तो दी जाए, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट बेंच, वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलती है, तब आज पूरे संभाग के अधिवक्ता सड़कों पे है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सभी जिलों में आज न्यायिक कार्यों में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। सभी अधिवक्ता एकजुट है कि जब तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं आती है, तब तक करो या मरो की नीति है। जिस तरह से आज हम सड़कों पे उतर हैं, हमारी संख्या बता रही है कि हमारे हौसले बुलंद है। और बुधवार को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली, उन्होंने बुलाया है विधि मंत्री ने, वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद ही पता पड़ेगा कि वहाँ का सकारात्मक रुख है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक रुख हुआ तो बहुत ही संगीन परिणाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिवक्ताओं की एकता के खिलाफ झेलने पड़ेंगे उनको। जय हिंद, जय भारत।